डियर स्टूडेंट्स एन डी मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एनडीए के सिलेबस में पहले चार टॉपिक है ना कंसेप्ट ऑफ सेट ऑपरेशन ऑन सेट एंड डी मॉरगनसला ये हमारे इलेवेंथ क्लास का मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स उसी में से ही है तो पहले लेक्चर में हमने सेट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो हमारे एनडीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया था आज उसी में आगे बढ़ते हुए सेट चैप्टर के कुछ और टॉपिक करेंगे शुरू वाले जो टॉपिक है कार्डिनलिटी इक्वलें सेट पावर सेट यूनिवर्सल सेट ये सारे एक एक मिनट के हैं और इसी तरह से वन डायग्राम ये भी एक छोटा सा टॉपिक है इनको हम फटाफट डिस्कस करेंगे उसके बाद जो है हमारे कुछ इसके मेन टॉपिक आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये सारे ऑपरेशन सेट में आते हैं और सबसे पहले आता कार्डिनलिटी ऑफ सेट या किसी सेट या समुच्चय की प्रमुखता क्या होती है बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही क्या कहलाती है उसकी कार्डनलिटी कहलाती है जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं मेरे मेरे पास एक सेट है सेट ए और उसके अंदर ये कुछ एलिमेंट लिखता हूँ मैं टू फोर सिक्स एट टेन मान ले ये, ये लिखती है मैंने तो यहाँ देखिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो कार्डनलिटी ऑफ सेट ए विल बी फाइव तो कार्डनलिटी को हम ऐसे लिखते हैं एन ए कितना हो गया? Five. इसी तरह से मैं एक और सेट का एग्जाम्पल लू मान लीजिए जो कार्डनलिटी है वो कितनी हो जाएगी वन टू थ्री फोर हो जाएगी अब देखिए इतने सिंपल से टॉपिक पे भी पूछे जाते हैं जैसे तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है यहां पर आपको एक सेट एस दिया हुआ है और उसके सभी एलिमेंट्स जो डिस्टेंक्ट है है डिस्टैक्ट मीन्स की अलग अलग है भिन्न भिन्न है सारे और वो किसकी फॉर्म में पी वाई क्यू की फॉर्म में और पी एंड क्यू जो है वो इस सेट से बिलोंग करते हैं वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स से ओके तो अब देखिए कि आपको पहले तो सेट एस जो है उसमें ये देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और फिर उनकी संख्या गिन के बता देनी है भी कितनी है तो वही क्या होगी इसकी कार्ड कार्डिनलिटी होगी तो देखिए कि जो P एंड Q है किससे बिलोंग करते हैं वो P एंड Q की वैल्यू क्या हो सकती है वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री फोर फाइव या सिक्स हो सकती है ठीक और S किसकी फॉर्म में है P वाई क्यू की फॉर्म में है तो S में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं P को एक बार मैं वन पे फिक्स कर लेता हूँ तो इसमें हो सकता है आपका वन वन बाई वन कि पी वी वन और क्यू बी वन वन बाई वन मीन्स वन वन बाई टू यानी पी वन और क्यू टू इसी तरह से वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव वन बाई सिक्स सिक्स एलिमेंट तो ये हो सकते हैं इसके अलावा अगर पी को मैं दो मान के चलूँ तो टू बाई वन टू बाई टू टू बाई टू तो फिर वन ही हो जाएगा लेकिन इसने क्या दिया हुआ कि सारे एलिमेंट क्या डिस्टिंक्ट है तो टू बाई टू नहीं लूँगा मैं यहाँ पर टू बाई थ्री लूंगा अब टू बाई फोर टू बाई फोर लूंगा तो देखिए टू बाई फोर क्या होता है वन बाई टू ही तो होता है वन बाई टू पहले आ गया है तो टू बाय फोर नहीं लेंगे हम टू बाय फाइव ले लेंगे और टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स में फिर वन बाय थ्री आ गया तो टू बाई सिक्स भी नहीं लेंगे अब p को मैं थ्री भी फिक्स कर देता हूँ थ्री बाई वन थ्री बाई टू थ्री बाई थ्री नहीं लेंगे क्योंकि थ्री बाई थ्री वन ही होता है आगे थ्री बाई फोर थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई सिक्स थ्री बाई सिक्स फिर वन बाई टू हो जाता है और इसी तरह से पी को मैं फोर पे फिक्स करता हूँ फोर बाई वन फोर बाई टू फोर बाई टू तो देखो पहले आ गया है तो तो फोर बाई टू को हम रब कर लेते हैं यहाँ से कोई बात नहीं एक सेकेंड लगेगी तो फोर बाई टू नहीं लेंगे फोर बाई थ्री ले लेंगे फोर बाई फोर वापिस वन हो जाता है फोर बाई फाइव एंड फोर बाई सिक्स फोर बाई सिक्स एक बार करके देखते हैं टू बाई थ्री पहले आ चुका है ठीक अब इसी तरह से हम लेंगे फाइव बाई वन फाइव बाई टू फाइव बाई थ्री फाइव बाई फोर फाइव बाई फाइव वापिस आ गया है पहले और फाइव बाई फोर फाइव बाई स नेक्स्ट इसी तरह सिक्स बाई वन सिक्स बाई टू सिक्स बाई टू यानी थ्री पहले आ गया है सिक्स बाई थ्री सिक्स बाई सिक्स बाई टू यानी थ्री आ गया सिक्स बाई थ्री यानी टू भी आ गया सिक्स बाई फोर सिक्स बाई फोर यानी थ्री बाई टू थ्री बाई टू भी पहले आया पड़ा है और सिक्स बाई फाइव ले लेंगे एंड सिक्स बाई सिक्स पहले आ चुका है ठीक तो अब काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है यहाँ से ये वाले ये तुम्हारा रफ रख है ना तो ये सारे एलिमेंट किस में है एस में है तो इनकी संख्या वार्डन कार्ड सॉरी कार्डिनलिटी है तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो ये आ जाते हैं 23. तो बी आंसर जो है इसका हो जाएगा. अब देखो कार्डिनेलिटी पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है जिसमें हम ये कहते हैं इक्वलेंट सेट क्या होता है? इक्वलेंट सेट. दो सेट जिन की कार्डिनेलिटी सेम होती है यानी नंबर ऑफ सेम हो वो क्या होते हैं इक्वलेंट सेट होते हैं जैसे मान लेते हैं मैं सेट ए ले लेता हूँ यहाँ पर वन टू थ्री फोर ये ले लिया और सेट बी मैंने ले लिया यहाँ पर जैसे टू फोर सिक्स एट तो ए की कार्डिनेलिटी भी कितनी है फोर और बी की कार्डनलिटी भी कितनी है फोर ने दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेम है तो ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट सेट है तो आपने इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट ये कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इक्वल सेट्स बताए थे तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना इक्वल सेट के अंदर तो क्या होते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट सी के अंदर भी सेम टू सेम यही होना चाहिए इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ठीक है अगर एलिमेंट बिल्कुल सेम हो फिर तो ये इक्वल सेट और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये क्या है इक्वल सेट अब कि जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ सेट ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स में हम बार बार यूज करते रहते हैं तो इनका हम आगे बार बार यूज करेंगे इसलिए जो है मेन सेट्स को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जस्ट दो मिनट में इससे आपको आगे के टॉपिक समझने में आसानी होगी कि सबसे पहला आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का सेट जो है उसको हम एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं वन टू है? थ्री फोर एंड आगे तक ये चलता रहेगा जब तक काउंटिंग चलती है ना गिनती चलती है तब तक ये चलता रहेगा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसी तरह से आ गया था सेट ऑफ वॉल नंबर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ से देख लें आप कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप जीरो और ऐड कर देते हैं ना शुरू में तो ये जो सेट है ये क्या होता है सेट ऑफ वॉल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का समूच ये बन जाता है अब उसके बाद आता है इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इंटीजर के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वोल नंबर तो सारे होते ही हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड सोवन ये तो होते ही साथ में जो नेचुरल नंबर है इनका नेगेटिव माइनस वन माइनस टू और इसी तरह से सारे इसके अंदर शामिल होते हैं ये इंटीजर से ठीक और उसके बाद आता है रेशनल नंबर जिसको आपने प्रमेय संख्याओं के नाम से छोटे क्लासेस में पढ़ा है रेशनल नंबर को हम केव से डिनोट करते हैं तो ये जो क्यू है ये क्या है रेशनल नंबर में वो सब नंबर आ जाते हैं जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p एंड q दोनों ही क्या हो इंटीजर हो ठीक है तो ऐसा सेट जो क्या कहलाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर कहलाता है यानी ऐसे नंबर जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और पी एंड क्यू दोनों किससे रिलेटेड हो इंटीजर से रिलेटेड हो साथ में एक कंडीशन हो रहा है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए अगर क्यू जीरो होगा तो डिफाइंड नहीं होगा ओके okay? तो अब एक आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर सेट ऑफ इरेशनल नंबर को मैं यहाँ पर टी से डिनोट करूंगा तो इसमें वो सभी नंबर आ जाते हैं जो रेशनल नहीं है जो रेशनल नहीं होते उनको क्या कहते हैं ये रेशनल कहते हैं और ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो x such दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक और अभी रियल नंबर क्या है कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर तो देखिए कि अगर ऐसे समझ नहीं आया तो मैं एक नंबर लाइन लेकर के आपको समझाऊंगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लेकिन पहले यहाँ पर जो पहले तीन सिंपल उनको देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि एन के सारे एलिमेंट्स सारे डब्ल्यू के अंदर हैं तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट इज सबसेट ऑफ वोल नंबर ओके और वॉल नंबर के सारे के सारे एलिमेंट आप देख सकते हो किस में है इंटीजर में है तो वॉल नंबर इज सब सेट ऑफ इंटीजर ठीक अब सभी इंटीजर जो आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जैसे मान लीजिए माइनस टू है अब माइनस टू को आप माइनस टू बाई वन लिख सकते हैं तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म होगी दोनों इंटीजर हो गए और नीचे जीरो भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है सभी इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है तो सभी इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर अब देखिए कि ये चीज हमने सीख ली है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर अब देखिए कि इन सभी नंबर्स को मैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको किस नंबर लाइन में जैसे हम इस तरह से कुछ पॉइंट ले लेते हैं ठीक है और यहां पर इसको मैं वन कह देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव ये नेचुरल नंबर हो गए जीरो और मिला दी गोल नंबर हो गए इसमें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह ये और ले लिए तो ये क्या हो गए इंटीजर्स हो गए सारे ठीक अब देखिए कि ये रियल नंबर लाइन है कैसी लाइन है रियल नंबर लाइन ठीक अब रियल नंबर लाइन पे क्या होता है कि हरेक पॉइंट जो है इस लाइन का हरेक पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट जरूर करता है रियल नंबर लाइन पे हरेक पॉइंट जो है वो किसी न किसी नंबर को जरूर रिप्रेजेंट करता है वो नंबर क्या है या तो रेशनल होगा जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा इरेशनल होगा ठीक तो रेशनल में तो जैसे आप समझ कि सारे इंटीजर आ गए इसके अलावा जैसे मान लिया मैंने लिख दिया टू बाई थ्री तो ये एक रेशनल नंबर है ठीक है माइनस टू बाई सेवन ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है ठीक जो कि इरेशनल नंबर जैसे रूट टू हो गया रूट थ्री यानी किसी प्राइम नंबर का जो उसके रूट है e है और इसके अलावा जैसे पाई है ये सारे क्या है इरेशनल नंबर हैं इनको आप पी बाई क्योंकि फॉर्म में नहीं लिख सकते अब जितने भी रेशनल एंड इरेशनल नंबर हैं उनका जो सेट है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर ठीक अब देखिए कि यहां से अगर हमें एक बात पूछी जाए कि कितनी भी दो नंबर के बीच में जैसे मान लेते हैं कि नंबर वन एंड नंबर फोर के बीच में कितने रियल नंबर होंगे तो वन एंड फोर के बीच में देखिए इनफाइनाइट पॉइंट है और अगर इनफाइनाइट पॉइंट हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है ठीक है आप बेशक दो पॉइंट कितने नजदीक ले लो आप उनके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो किन्नी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं ठीक तो अगर मान लीजिए मुझे एक बताना हो कि जैसे नंबर वन एंड नंबर फोर के बीच में कौन कौन से रियल नंबर है तो उसको मैं इस तरह से भाई यहाँ पर इतनी दूर में जो आगे वो सारे के सारे क्या वन एंड फोर के बीच में है तो ये क्या है कि एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है इंटरवल को ठीक है तो जो इंटरवल का कंसेप्ट है जो अंतराल का जो कंसेप्ट है वो हम किस लिए यूज करते हैं कि एक कितने भी दो रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको दर्शाने के लिए किसका यूज होता है इंटरवल्स का यूज होता है और इंटरवल्स को जो हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं 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 जिनको अभी बताते कि कि किस तरह से करते हैं। अब देखिए इंटरवल्स को रियल नंबर के सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट करना आना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम रियल नंबर के इंटरवल्स को जो है सबसेट के रूप में जो है शो करते हैं स्टेटमेंट में आते हैं और फिर उस पर कुछ और कंसेप्ट जो से पूछ लिए जाते हैं तो उस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता हमारा तो पहले तो ये देखिए कि इंटरवल जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं तो देखिए ये एक नंबर लाइन है हमारी और इस नंबर लाइन पर मान लेते हैं कि ये कोई भी दो हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट इसको मैं नंबर ए कह देता हूँ ये दूसरा नंबर बी है ठीक अब एक तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी इसमें खुद शामिल ना हो बस बीच बीच की रियल नंबर में लेने हैं तो इसको जो ऐसे हम खुला दिखाते हैं दोबारा देखिए कि ए को इस तरह से ऐसे ओपन दिखाते हैं ठीक बीच में खाली जगह रखनी है इसके पॉइंट के और इसी तरह से बीच के भी बी में भी ऐसे खाली दिखाई देने है। तो अब हम लेते हैं सिर्फ बीच बीच की संख्याएं ठीक यानी इसमें ए और बी खुद दोनों संख्याएं शामिल नहीं है इनके बीच के सभी रियल नंबर जो शामिल है तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल कौन सा ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल को इसको हम ऐसे शो करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से ए और बी अब ये इस तरह छोटे ब्रैकेट हमने लगा इसका मतलब ए और बी इसमें खुद शामिल नहीं है एक होता है क्लोज्ड इंटरवल क्लोज इंटरवल जैसे आप समझ ही गए होंगे जैसे मैंने इंटरवल दिखाया यहाँ पे ये पॉइंट है ये नंबर ए और ये रियल नंबर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ये दोनों ए और बी भी शामिल हो और इनके बीच की सभी रियल नंबर भी शामिल हो तो ऐसा जो नंबर है ये कहलाएगा ऐसा जो इंटरवल है वो कहलाएगा क्लोज्ड इंटरवल क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं ए बी ठीक तो ये कैसा इंटरवल है क्लोज इंटरवल ठीक और इसी तरह से हो सकता है कि एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो जैसे मान लेते हैं कि ए वाले साइड से ओपन हो और बी वाले साइड से क्लोज यानी ए इसमें शामिल नहीं है बी शामिल है और इनके बीच की सारी संख्या इसमें शामिल है तो ए की तरफ से ए शामिल नहीं है तो ए की तरफ से ओपन और बी की तरफ से क्लोज कर देते हैं ठीक इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट लेते हैं कि जिसमें जो है ए जो है वो शामिल है और बी इसमें शामिल नहीं है सॉरी इसको खुला रखना आपने ओके तो यहां पर ए की तरफ से हम क्लोज कर देंगे और बी की तरफ से ओपन कर देंगे तो देखिए कि इस ओपन इंटर को हम अब एक सेट के रूप में लिखना चाहते हैं तो मान लेते हैं इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए ठीक और इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए और बी के बीच के सारे जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके एलिमेंट होंगे तो इसके बीच का कोई भी एलिमेंट है उसको मैं एक्स का नाम दे देता हूं ठीक अभी एक्स क्या है ए से तो बड़ा है ठीक है तो ए इज लेस देन एक्स ठीक लेकिन बी से छोटा है ओके तो बस सिंपल सी बात है इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और अब इस इसी तरह से इस सेट को नाम दे देता हूँ सेट पी का ठीक अब यहाँ वाला जो कोई भी नंबर है उसको हम कह देते हैं एक्स है ये और अब देखिए कि एक्स ए से बड़ा है या ए के बराबर भी हो सकता है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और ये बी के बराबर या बी से छोटा होगा तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी ठीक तो आप समझ गए ना यहाँ पर जहाँ पर क्लोज इंटरवल है वहाँ पर इस तरह से लेस देन और इक्वल टू ठीक है ये वाला साइन आएगा और जहाँ पर ओपन है वहाँ पर सीधा आएगा ये और इसी तरह से इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए मैं सीधा लिख देता हूँ एक्स दैट इस साइड से ओपन रखना है तो ए इज लेस देन x इस साइड से क्लोज करना तो साथ में इक्वल टू लगा देता हूँ ठीक सिमिलरली इस सेट को मैं सेट डी का नाम दे देता हूँ और सेट डी में जो है आप समझ गए होंगे कि ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन बी ओके अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कि जो ओपन इंटरवल है इसको हम खुला इंटरवल कह देते हैं इंटरवल को जैसे मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं अंतराल तो ओपन इंटरवल को हम खुला अंतराल कहते हैं और इसको विवृत अंतराल भी कह देते हैं विवृत का मतलब भी खुला ही होता है और इसी तरह से क्लोज इंटरवल है उसको हम बंद या संवृत संवृत अंतराल बोल देते हैं ठीक इससे अगला टॉपिक आता है हमारा पावर सेट या घात समुच्चय जिसको हम बोलते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जैसे एक तो हमने इस तरह से सब सेट का साइन देखा था ठीक एक बिलोंग्स टू का साइन इन दोनों में आपको अंतर बता देता हूं मैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है इस सेट के अंदर हम ले लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वन टू थ्री ठीक तो हम ये कहते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए यानी वन इज एलिमेंट ऑफ बी टू इज एलिमेंट सॉरी वन इज एलिमेंट ऑफ ए टू इज एलिमेंट ऑफ ए थ्री इज एलिमेंट ऑफ ए ठीक जबकि सबसेट की बात अगर हम करें ना तो इसके सबसेट कौन से होंगे फाइव और होगा वन टू थ्री और अब दो दो करके लेंगे वन टू और वन थ्री और वन टू थ्री और टू थ्री ठीक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो ये आठ इसके सब सेट है तो इनमें से हम किसी एक को हम ऐसे लिखेंगे कि टू थ्री वाले ले लेते हैं कि टू थ्री ये जो सेट है दिस इज सब सेट ऑफ ए दिस इज सब सेट यानी इस सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं ठीक तो यहां पर आप बिलोंग्स टू और सबसेट वाले साइन में कंफ्यूज मत होना बिलोंग्स टू तो इसका हर एक एलिमेंट बिलोंग टू का मतलब इज एलिमेंट ऑफ इज एलिमेंट ऑफ ठीक और दिस इज सबसेट ऑफ सबसेट मतलब इसके सबसेट बना लो ठीक है वो सबसेट इसके अंदर शामिल है अब देखिए कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं है ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा थ्री है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ जैसे इसकी जगह पर मैं लगा देता हूँ ये वाला थ्री ठीक ये मंजिली ब्रैकेट है यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो जब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं ना ब्रैसेज जिसको हम बोलते हैं वो है तो अब देखिए कि वन इज एलिमेंट ऑफ ए टू इज एलिमेंट ऑफ ए एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ ए ठीक अगर आपसे अब ये पूछे क्या थ्री इज एलिमेंट ऑफ ए क्या बात ट्रू है तो देखिए थ्री इसका कोई एलिमेंट नहीं है जबकि ये जो सेट है थ्री वाला ये इसका एलिमेंट है तो दिस इज फॉल्स ओके दिस इज ट्रू अब अगर सबसेट की बात करें तो वन टू यानी ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है और इसी तरह से अगर कोई कहे क्या वन थ्री इसका सबसेट है क्या दिस इज तो देखो वन अब ये चेक करो वन इसके अंदर है थ्री इसमें है ही नहीं तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता ठीक है तो क्या हो सकता है वन और ये एलिमेंट ले लो दिस इज सबसेट ऑफ ए ओके okay. तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और जब मैं आगे पावर सेट के डेफिनेशन करवाने के बाद जो क्वेश्चन करवाऊँगा ना उसमें इस कंसेप्ट का यूज होगा तो आपने इसको माइंड में रखना है अब आगे आता है पावर सेट या घात समुच्चय इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है और सेट ए के अंदर जो है हमारे तीन एलिमेंट्स हैं जैसे वन टू थ्री इनके तीनों के मैं सब सेट लिख देता हूं कौन कौन से हैं फाइव वन टू थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री एंड वन टू थ्री ठीक ये देखिए मैंने इसके जैसे कितने सेट पॉसिबल है टू पावर थ्री एट पॉसिबल है बन, तो सेट ए के सभी सेट, सेट का एक हम सेट और बना लेते हैं सभी सबसेट का जो सेट है दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं ठीक पावर सेट ऑफ ए A. और पावर सेट की जो कार्डनलिटी होती जो है वो कितनी होती है टू पावर एन होती है क्लियर इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है सेट ए में मैंने दो एलिमेंट लेकर के दिखाए दो एलिमेंट वाले के चार सबसेट होते हैं इन चारों सबसेट्स का एक सेट जो है वो क्या होगा इस ए का पावर सेट होगा और ध्यान रखें कि पावर सेट किसी भी सेट का कभी भी एम्पटी सेट हो ही नहीं सकता ठीक क्योंकि अगर मान लिया मैंने एमप सेट ले भी लिया ठीक है इस एम्पटी सेट को मैं सेट बी कह देता हूं बी इज एन एम्पटी सेट तो पावर सेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू सबसेट ऑफ सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी और इसके सबसेट क्या हैं एम्पटी सेट तो सभी का सबसेट हो गई, और एम्पटी अब देखो इसका सबसेट क्या है ये और सबसेट का जो सेट होता है इसका पावर सेट है तो इसमें देखो एक एलिमेंट आ गया ना अपने आप तो किसी भी सेट का पावर सेट जो वो सेट नहीं हो सकता अभी देखिए आपको बताई ना पावर सेट और दूसरा सबसेट एंड इज एलिमेंट ऑफ इन दोनों तो के लिए जो बात बताई है इन्हीं का मिक्स किया हुआ हमारे एनडीए में पिछले वर्षों में पूछा गया है जिसमें कहता है कि इफ ए पावर सेट करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है अब देखिए कि पी वन टू किसके बराबर होगा मैंने बताने के लिए पहले लिख दिया यहाँ पर कि सॉरी पी वन टू जो है इस वन टू के जितने भी सबसेट है चार सबसेट पॉसिबल है उन सभी का जो सेट है वो पी है तो अब एक एक करके हम चेक कर लेते हैं इज वन टू सबसेट ऑफ ए क्या वन टू इसका सबसेट है तो अगर मैं कि वन टू दिस इज सबसेट ऑफ पी वन टू चेक करना आपने तो पी वन टू तो ये है अब अगर ये इसका सबसेट है तो क्या वन इसके अंदर है कोई एलिमेंट नहीं है ना टू क्या इसके अंदर है नहीं है तो पहली बात तो हमारी रॉन्ग होगी अब दूसरी बात है कि इज एलिमेंट ऑफ ए क्या वन इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है वन के दोनों तरफ ब्रैसेज लगा तो इसका एलिमेंट है लेकिन वन इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारी दूसरी बात भी यहां पर रोंग होगी अब कहता है कि फाइव इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए फाइव देखो यहां पर इसका एलिमेंट पड़ा है तो ये बात भी रॉन्ग होगी ठीक अब चौथी बात देखो कि वन टू इज एलिमेंट ऑफ ए वन टू इसका एक एलिमेंट है तो फोर्थ बात जो हमारी करेक्ट होगी ठीक है तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा डी जो इसका आंसर होगा ओके अब देखिए कि इसी कंसेप्ट पे दो में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपको सेट ए दे दिया क्या है एक तो लैमडा है सीता ही एक लैमडा और ये म्यू है ठीक इनका जो सेट है वो इसका एक एलिमेंट है ठीक तो कहता है कि ए का पावर सेट यानी पावर सेट ऑफ ए क्या होगा पावर सेट ऑफ ए में देखो फाई तो आएगा आए क्योंकि एमपटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट दूसरा आ गया इसमें तीसरा ये ये पूरा, सॉरी इसका का साथ में ये लगाना पड़ेगा। दूसरा ये एलिमेंट है इस एलिमेंट के हम ब्रेसेस लगा देते हैं ठीक तो इसमें एक और दो एलिमेंट है तो टू का स्क्वायर, यानी फोर इसके जो है सब सबसेट बनेंगे तो एक दो तीन और चौथा क्या बनेगा ये पूरा ही आ जाएगा इसका यानी पूरा का पूरा सेट ही इसका सबसेट है लेमडा और लेमडा म्यू यानी ये पूरा सेट ही खुद का सबसेट होता है तो मैंने क्या किया है कि ए के सभी सबसेट लिख दिए एम्पटी सेट पहला एलिमेंट लिया सेट में फिर दूसरा एलिमेंट सेट में लिया फिर ये पूरा का पूरा ले लिया इन सभी का जो सब इन सभी का जो सेट है सब सेट का जो सेट है वो क्या है ए का पावर सेट है ठीक अब आगे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहां पर कहता है कि ए जो है वो वर्ड सेट है ए जो है वो क्या है वर्ड सेट है एम्पटी सेट है एक ठीक देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओफ ए ठीक तो यहाँ पर ये देखिए कि ए में कितने एलिमेंट है ए में जीरो एलिमेंट है तो यहाँ पर पी ए की जो तो कार्डनलिटी होगी वो टू पावर जीरो होगी गई टू पावर जीरो मीन्स वन ठीक अब सिर्फ ये अंदर अंदर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पावर सेट देखिए अब यहाँ पर एक एलिमेंट है तो यहाँ से इसके कितने एलिमेंट पड़ेंगे टू पावर वन टू पावर वन मीन्स टू तो यहाँ से इस सेट के अंदर कितने दो एलिमेंट होंगे तो इसमें टू पावर टू टू पावर टू मीन्स फोर और इस सेट में टू पावर फोर टू पावर फोर मीन्स टू 2 टू 2 इंटू टू इंटू टू 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 फोर पावर टू जो एट टू द ठीक तो यहां पर जो है सिक्सटीन एलिमेंट जो है हमारे पास यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट सेट या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं किसी विशेष रेफरेंस में बात करते हैं और हम उसमें हमारे पास ये जैसे मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन सेट है ठीक है तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं तीन से कम भी हो सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस में बात कर रहे हैं किसी विशेष क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक बार ये समझ लीजिए तो ये तीनों सेट जो है ये किसी एक सेट के सबसेट हैं यानी यू हम कह देते हैं कि एक ऐसा सेट है जिसमें ए भी शामिल है बी भी शामिल है सी भी है यानी ए इज सबसेट ऑफ U, B इज सबसेट ऑफ U एंड C इज सबसेट ऑफ U। यानी जिन हम सेट्स की बात कर रहे हैं वो सभी के सभी सेट जिस सब जिस सेट के सबसेट होते हैं वो सेट क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है ठीक तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं कि हमने एक सेट लिया जिसमें सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है ए ई आई ओ एंड यू ठीक तो इस सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो सकता है ये ए बी सी टू जेड तक ये वाला हो सकता है ठीक तो यूनिवर्सल सेट डिपेंड इस बात पे करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में जो है बात कर रहे हैं उसी में जो सेट लिए हैं उनका जो सुपर सेट हम ये कह सकते हैं सभी का दैट विल बी यूनिवर्सल सेट अब आगे देखते हैं कि वन डायग्राम क्या होता है इसमें देखिए कि जो ये वन है ये ऐसे लगना है ठीक है और इसको कर देता ठीक है तो देखिए कि ये वन डायग्राम क्या होते हैं कि इसमें हम किसी भी सेट को जो है इस तरह से सर्कल के द्वारा या ट्रायंगल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक और डिफरेंट जो सेट्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो हम इसी तरह के सिंपल जो क्लोज क्रव होते हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे जो डायग्राम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वन डायग्राम कहते हैं तो वन डायग्राम को समझने के लिए जैसे मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास जो मैंने एक गोला लगाया है ना ये जो सर्कल लगाया है ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये क्या है वॉल नंबर के अंदर आता है ठीक यानी नेचुरल नंबर जो है वो वॉल नंबर का सबसेट है वॉल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सेट है इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट है ठीक और ये इरेशनल नंबर है ये अलग है ठीक और रेशनल और इरेशनल कुल मिलाकर के किस में आते हैं रियल नंबर में आते हैं ठीक तो इस तरह से हम पूरे जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है उसको भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक तो इनके लिए जो ये आर है ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट हो गया ठीक तो आपको समझ आ गया होगा वेन डायग्राम तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि जैसे इट इज सेट ऑफ अल्फाबेट एंड इट इज सेट ऑफ वोवल्स वो ठीक डे स्टूडेंट्स आगे आता हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन सेट जिसमें यूनियन ऑफ सेट हम करेंगे एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट करेंगे लेकिन यूनियन ऑफ सेट के भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले उसके बाद हम यूनियन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे उसके बाद जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगीन हम इंटरसक्शन ऑफ सैट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं ओके और उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट डिफरेंस ऑफ सेट्स पे भी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमें एन डी ए के डिस्कस करने हैं उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा और कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉर्गन सला वगैरह इसी के अंदर आते हैं तो इन सभी के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है तो वैसे तो मुझे इसी वीडियो में करवाना था लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो फिर अपलोड वगैरह करने में दिक्कत आती है इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें थैंक यू हैव ए नाइस डे